फ्रेंड्स, इन लास्ट वीडियो वी वर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पिछले वीडियो में, वीडियो वन में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जो ड्राइव किया था, वी इज इक्वल टू 1/4πε0Q/R। इस 1/4πε0 को हम के भी बोलते हैं, ये कॉन्स्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 9×10⁻⁹ होती है। तो वी इज इक्वल टू KQ/R। अब मैं अगर के कॉन्स्टेंट यूज कर रहा हूँ तो आपको समझना होगा कि के का मतलब 1/4πε0 होता है। तो अब तक हम तीन फॉर्मूले, जो तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस यूनिट के हैं, एक तो फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू KQ1Q2R², दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R², तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जो हमने अभी ड्राइव किया है KQ/R, उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा था इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले को ड्राइव करने की एट एनी पॉइंट। तो एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले चैप्टर में कैलकुलेट कर लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कैसे कैलकुलेट किया, दो केसेस में, एक्सियल और इक्विटोरियल में। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक्सियल और इक्विटोरियल में कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हम सीधा ऐड कर देंगे वी इक्वल टू V1+V2। भाई, देर आर टू चार्जेस, ये तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो दो चार्ज के दो पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर देंगे सिंपल। इसलिए हम उस सिंपल केस को ना डिस्कस करते हुए, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट का मतलब ये है कि पॉइंट की लोकेशन कहीं पर भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, जो डायग्राम आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर ये एक ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के दो चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू एक दूसरे से 2L डिस्टेंस पर है। तो सेंटर से कितना डिस्टेंस हो गया, L हो गया, और सी से हमें पी तक का जो डिस्टेंस है, सी से पी, पी कोई भी पॉइंट है जहाँ पोटेंशियल निकालना है आर डिस्टेंस पे, तो पी की डिस्टेंस हमें ए से निकालनी होगी और बी से निकालनी होगी। आपको मालूम है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू KQ/R। तो इस KQ/R में चार्ज तो हो गया माइनस क्यू और डिस्टेंस हो गई AP। तो यही यहां पर प्रॉब्लम है, जो हमें इस फॉर्मूले की डेरिवेशन में प्रॉब्लम आती है वो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस निकालने की आती है। तो हमें AP की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ L और थीटा पता होनी चाहिए। तो कैसे पता होगी, हम क्या करते हैं, इस PC को आगे एक्सटेंड करके T तक मिला लेते हैं, और V ड्रॉ ए परपेंडिकुलर AT, ऐसे B से परपेंडिकुलर M। तो अगर ये शॉर्ट डाइपोल होगा तो क्या होगा, ये TA के काफी क्लोज होगा, तो हमारा AP इज ऑलमोस्ट इक्वल टू TP, और TP इज इक्वल टू TC+CP, TC इज इक्वल टू L cos थीटा, तो दिस इज R प्लस L cos थीटा। तो V1 इज इक्वल टू -KQ/R+L cos θ। इसी तरह से पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज, V2 इज इक्वल टू KQ/BP। तो जब BP होगा शॉर्ट डाइपोल के लिए, BP इज ऑलमोस्ट इक्वल टू MP, और MP इज इक्वल टू CP-CM, दिस इज R-L cos θ। तो टोटल पोटेंशियल ड्यू टू बोथ द चार्जेस V इज इक्वल टू V1+V2। सो V1 और V2 का वैल्यू लिख दिया, और LCM लेके सिंप्लीफाई करके हमारा फॉर्मूला आ गया KP cos θ/R² - L² cos θ। सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, V इज इक्वल टू KP cos θ/R² - L² cos²θ। अब इसके स्पेशल केसेस हो सकते हैं, एक्सियल पॉइंट पर थीटा की वैल्यू जीरो होती है, तो V इज इक्वल टू KP/R² - L². इक्विटोरियल पॉइंट पर थीटा 90 हो जाएगा, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। सो दिस इज हाउ वी हैव ड्राइव्ड द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टूडेंट्स, हमने पॉइंट चार्ज का कर लिया जो KQ/R होता है, डाइपोल का कर लिया किसी भी पॉइंट पर, और इसी में स्पेशल केस एक्सियल और इक्विटोरियल के हमने कर लिए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन का, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, जो टू मेजर इफेक्ट्स हैं इस चैप्टर में और पिछले चैप्टर में, हमने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया है। दीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल क्या होता है, ई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है, वी। सो हाउ ई एंड वी आर रिलेटेड विद ईच अदर, तो हमने क्या कंसिडर किया, ये कोई प्लस क्यू चार्ज हमने ऊपर रख लिया, और इसकी वजह से आपको क्या है, ए और बी पर अगर मैं पोटेंशियल लिखना चाहूं तो क्या होगा, अब आप बता सकते हैं कहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, यू नो वी इज इक्वल टू KQ/R, तो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो जो पॉइंट्स पास में होते हैं वहां पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो बी पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए पर पोटेंशियल कम होगा। सो मैंने अज्यूम कर लिया कि पोटेंशियल एट ए इज वी, सो पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू V+dV। तो डिफरेंस कितना हो गया,
पोटेंशियल डिफरेंस हो गया डीवी, ओके, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे। तो यहाँ पर सपोज मैं किसी प्लस क्यू नॉट चार्ज को लेके आ रहा हूँ ए से बी की तरफ, तो ए से बी की तरफ लाने में जो वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट थीटा इज 180 डिग्री। तो दिस इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर, और एफ इज इक्वल टू क्यू ई, आपको मालूम है एफ इज इक्वल टू क्यू ई बिकॉज ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ये तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ही है ना। सो माइनस क्यू ई डी आर, और दिस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑलरेडी टोल्ड यू, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, सो डी वी इंटू क्यू नॉट, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई वी। अगर हम इन दोनों इक्वेशन जो वर्क डन के लिए कंपेयर करते हैं तो वी गेट माइनस क्यू ई डी आर इज इक्वल टू क्यू नॉट ई वी, सो दिस ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, एंड दिस नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये जो डी वी बाई डी आर है ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पर माइनस साइन आ रहा है, माइनस का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। तो नेगेटिव साइन मीन्स पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। तो स्टूडेंट्स इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल का मतलब होता है पोटेंशियल इज इक्वल और पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट। तो मतलब कुछ सर्फेसिस हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं किसी रीजन में जहां पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। सो स्टूडेंट्स पोटेंशियल अगर सेम होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन भी जीरो होगा क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। सो दीज आर द सरफेसेस एट एवरी पॉइंट ऑफ व्हिच पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो एंड नो वर्क इज डन इन कैरिंग ए चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि भाई अगर मान लो कोई चार्ज है उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चला रहे हैं तो कितना वर्क डन होगा, आप सीधा लिखेंगे जीरो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन होता है जीरो। और ये भी दूसरी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल और परपेंडिकुलर एट एवरी पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, आपने एक प्रॉपर्टी तो पढ़ी होगी इसकी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, तो कब कट नहीं करेंगी, जब सरफेस पर परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि उनकी अपनी अपनी अलग डायरेक्शन होगी तो कट नहीं कर पाएंगी। तो यहां पर आपको एक होमवर्क करना है अपनी एनसीईआरटी की बुक से, भाई कॉन्फिगरेशंस होते हैं अलग अलग इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस के, तो टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। सो यू शुड ड्रॉ दीज फिगर्स इन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। आई एम टेलिंग यू व्हाट आर द फिगर्स, दिस इज फिगर 2.9AB, 2.10 एंड 2.11AB, एंड स्टूडेंट्स दिस इज योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क so that we can discuss. So this is all about this video. So we will continue in the next video. Okay, thank you and thank you so much.